Hello everyone, welcome to the Gurukul, and in this video we are going to discuss the NVS assistant exam question paper जो exam हुई थी 25th March 2019 को. ये solved paper है. ये exam online mode में हुई थी और ये question paper उन लोगों के लिए बहुत helpful होगा जो upcoming NVS का exam देने वाले हैं PGT का. तो उन PGT वालों के लिए एक idea होगा यहाँ पर कि यहाँ subject उनका नहीं है but बाकी जो paper pattern है उनसे उनको बहुत help मिले कि या खास करके रीजनिंग है या न्यूमेरिकल एबिलिटी है, करंट अफेयर्स है, जिसको आप देख के ये समझ पाएंगे कि एनवीएस का जो अपकमिंग एग्जाम होगा उसमें आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. तो चलिए फटाफट से हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं. तो ये एनवीएस का एग्जाम हुआ था 25th of March 2019 को और ये जो पोस्ट थी वो असिस्टेंट की पोस्ट थी. सबसे पहला इसमें जो सवाल था रीजनिंग एबिलिटी से था. ऑनलाइन एग्जाम था. इन अ कोड लैंग्वेज अपील APPEL इज रिटन एज 51 इन द सेम लैंग्वेज हाउ विल यू कोड एक्सेप्ट ACCEPT. यहाँ पर जो पैटर्न है इसे सॉल्व करने का वो है कि जो जितने भी न्यूमरल्स हैं APP इनकी जो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है जो नंबर जैसे A के लिए यहाँ 1 यूज़ किया गया है और ई के लिए 5, तो इस तरह से आप इसको टोटल करेंगे तो ये 51 आएगा. तो अगर इसी तरह से एक्सेप्ट का आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 48. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज. यहाँ पर जो सीरीज है ये आप ध्यान से देखेंगे इस सीरीज को, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है डी है, फिर ई है और फिर एफ आ रहा है. और नेक्स्ट के आप जो है यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट क्या आएगा, डी ई एफ के बाद जी आएगा, तो जी हमारे चारों में कॉमन है. फिर 4, 5, 6 है तो नेक्स्ट 7 आएगा और 7 के बाद जे, और यहाँ पे एक एक लेटर यहाँ पर आ रहा है. एच के बाद आई यहाँ पर स्किप होके जे आ रहा है, जे के बाद के स्किप होके एल आ रहा है, तो एल के बाद एम स्किप होके एन आएगा. तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स टू गिवन वर्ड ओनली एज मेनी टाइम्स एज दे अपीयर इन द वर्ड. सो यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस वर्ड से बन नहीं सकता है. तो यहाँ पर डिजास्टर ये वर्ड दिया हुआ है, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स वर्ड है जो इसमें नहीं है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सच दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर्स वेन अरेंज अकॉर्डिंगली विल फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड. तो यहाँ पे कौन सा आप वर्ड ऑर्डर अरेंज करेंगे तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा. तो आप देख रहे हैं ये जो अल्फ़ाबेट है AJRMO और इसका नंबर दिया हुआ है 52413. तो अगर यहाँ पे 1 फर्स्ट ऑप्शन जो है तो हम रॉन्ग ऑप्शन को नहीं देखते हैं, नहीं तो चूँकि ये 130 क्वेश्चंस थे पूरे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. तो यहाँ पे आप देखेंगे 15234. अब यहाँ पर इनको अरेंज करेंगे आप 15, तो यहाँ पर MAJOR मेज़र. सो मेज़र यहाँ पे वर्ड फॉर्म होगा जब आप वर्ड को इस तरह से अरेंज करेंगे. नेक्स्ट है 8 क्लासमेट्स ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल फेसिंग द सेंटर. ए इज़ नॉट द नेबर ऑफ ENC. सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी एंड एच इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई. हु इज़ द इमीडिएट राइट ऑफ सी. एफ इज़ नॉट द नेबर ऑफ आइदर ई एंड बी एंड इज़ नॉट is to be immediate left of G. Who is sitting the immediate right of B? तो ये थोड़ा सा आप सॉल्व कर लेना, बहुत ही ईजी है और सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट ऑप्शन होगा. इफ वन फर्स्ट ऑफ जनवरी 2018 वॉज मंडे, वॉट डे ऑफ द वीक वॉज 31 दिसंबर 2018. तो ये होगा मंडे. अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर. यहाँ पे इस वर्ड्स को मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है. तो सबसे पहले आ जाएगा फ्रैक्चर. फ्रैक्चर के बाद क्या होगा, एडमिशन होगा हॉस्पिटल में, देन क्या होगा ऑपरेशन होगा और फिर वो डिस्चार्ज होगा. तो राइट जो ऑर्डर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ
यहाँ पर जो मीनिंग है आपको बताना है कि अगर डिवाइड का मींस एडिशन है, एडिशन का मींस सब्ट्रैक्शन है, और सब्ट्रैक्शन का मींस मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन का मीन डिवीज़न है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो 68 आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। तो यहाँ पे अरेंज करना है वर्ड्स को जिस तरह से वो इंग्लिश डिक्शनरी में नज़र आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो ए के बाद बी आता है, और बी के बाद यहाँ पे ए है, तो हमारा फोर्थ वर्ड सबसे पहले हो जाएगा, फिर टू हो जाएगा, और थ्री एंड देन वन हो जाएगा। स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट विल करेक्टली रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या नंबर आएगा, तो ये आ जाएगा 400। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फोर्थ टर्म इन द सेम वे एज द फर्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू द सेकेंड टर्म। यहाँ पे रूबल है, रशिया की करेंसी है, तो मालदीव की करेंसी है यहाँ पे रूफिया। सेलेक्ट द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग इन द फॉलोइंग सीरीज। अब जो नंबर है यहाँ बिलोंग नहीं करता इस सीरीज से, उसे आपको टिक करना है। तो यहाँ जो 173 यहाँ पर इस नंबर सीरीज से बिलोंग नहीं करता है, ये एक जो पैटर्न है उसको फॉलो नहीं कर रहा है ये नंबर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पार्ट पे हम आ जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सेलेक्ट द वर्ड पेयर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट इन सम रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे जो कौन सा वर्ड है जो डिफरेंट है अदर्स से, तो कॉन्फिडेंट और बायन दोनों बिल्कुल अलग अलग वर्ड हैं, दोनों की मतलब बिल्कुल अलग होती है। सेलेक्ट द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग इन द फॉलोइंग सीरीज। अब यहाँ भी वही करना है आपको, तो यहाँ जो अर्नेस्ट है जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं कर रहा है। और नेक्स्ट है काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर जब आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को काउंट करेंगे देन इट विल बी 20। सो देयर वर 20 ट्रायंगल्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे 6 जो है और 216 है और 512, तो यहाँ पर जो नंबर है होगा वो 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब इस वर्ड की करेक्ट मिरर इमेज आपको बतानी है, तो करेक्ट मिरर इमेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। गिव इन द स्टेटमेंट फॉलोइंग बाई टू कोर्सेज ऑफ एक्शन एज्यूमिंग द स्टेटमेंट टू बी ट्रू डिसाइड ऑफ द गिवन कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो ये है कि सम वेरी सीरियस फ्रॉड्स हैव बीन नोटिस्ड इन द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया इज रिसेंट टाइम्स। तो यहाँ पे जो बताना है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन वो स्टेटमेंट से के हिसाब से सही है। तो कोर्सेज ऑफ एक्शन, रेगुलर ऑडिटिंग इज नीडेड टू कीप अ चेक ऑन द फ्रॉड्स, और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट शुड बी मीटेड आउट टू द गिल्टी। अब यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ये दोनों ही रिलेटेड है हमारे स्टेटमेंट से, तो बोथ हो जाएगा, बोथ 1 and 2 फॉलो द स्टेटमेंट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस के नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा, सीक्वेंस कुछ इस तरह से है 56, 64, 72, 80, तो इसके बाद ये 82 आ जाएगा। आप थोड़ा सा रीजनिंग सॉल्व कर लेंगे। इन अ कोड लैंग्वेज फॉरवर्ड इज रिटन एज GPS XBSE, how will you code replay इन द सेम लैंग्वेज। तो आप अगर सेम लैंग्वेज को यहाँ पे फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आंसर आ रहा है हमारा SFQMZ ये आ रहा है। इन विच सिटी हैज़ इंडिया फर्स्ट प्राइवेट अननेम्ड एरियल व्हीकल फैक्ट्री ओपन। अब यहाँ पे करंट अफेयर सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन स्टार्ट हो गया है, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से शहर में फर्स्ट प्राइवेट अननेम्ड एरियल व्हीकल स्टार्ट फैक्ट्री खोली गई है। तो ये खोली गई है हैदराबाद में। इन विच सिटी वॉज 37th सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप हेल्ड इन दिसंबर 2018। तो यहाँ पर 37th सीनियर
नेशनल रोविंग चैम्पियनशिप हेल्ड इन दिसंबर 2019, ये हुआ था पुणे में। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है करंट अफेयर्स का, ये थोड़ा सा लेवल जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफ़िकल्ट लेवल था, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली हम नहीं पढ़ के जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम करें लेंगे, थोड़ा सा और रिवाइज़ करेंगे PGT के एग्ज़ाम के लिए। सो विच कंट्री सेलेक्टेड द चाइनीज़ कैरेक्टर फॉर डिज़ास्टर एज इट्स डिफाइनिंग सिम्बॉल फॉर द ईयर 2018? तो ये किया है जापान ने सेलेक्ट। हाँ, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट? तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है महाराष्ट्र के पास, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। एज द दिसंबर 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वॉज द टॉप रैंक टीम इन ICC रैंकिंग फॉर द मेन्स क्रिकेट टीम? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है इंडिया। नेक्स्ट है इन नवंबर 2018 विच कंट्री अपॉइंटेड मेजर जनरल अलेंका एरिकमैन एज द फर्स्ट फीमेल आर्मी चीफ, मेकिंग हर द ओनली वुमन इन चार्ज ऑफ नाटो कंट्री मिलिट्री? तो ये है स्लोवेनिया। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 149 कंट्रीज जेंडर गैप इंडेक्स एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप? तो ये हमारा है 108th। विच कंट्री हैड एस्टेब्लिश्ड इट्स रूल ओवर गोवा इन 16th सेंचुरी? तो ये है पोर्टुगल। नेक्स्ट है नेम द सिटी वेयर द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1928 ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा न्यू दिल्ली। विच ब्रिटिश वायसराय पार्टीशन बंगाल इन 1905? तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन 1905 में। इन नवंबर 2018 विच कंट्री अमेंडेड अ वेपन बिल टू एंश्योर दैट इट वुड नॉट इम्पैक्ट द राइट ऑफ सिख कम्युनिटी टू पोसेस द एंड सप्लाई किरपांस ऑन रिलीजियस वर्ड? तो ये ऑप्शन है UK। हुकुम सिंह वॉज द स्पीकर ऑफ, ये थर्ड लोकसभा के स्पीकर हैं हुकुम सिंह। नेक्स्ट है इन दिसंबर 2018 विथ विच IIT डिड द इंडस्ट्री बॉडी NASSCOM कोलेबरेट फॉर इट्स फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म टारगेटेड? तो यहाँ पे IIT मद्रास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर हैज़ वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लैम स्लैम टूर्नामेंट्स इन मेन्स टेनिस? तो ये थे रॉजर फेडरर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा हु वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो आप सभी जानते हैं कि कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके लिए हम टीचर्स डे मनाते हैं 5th of September को। इन दिसंबर 2018 डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो केरला एक पहला स्टेट बन गया है दिसंबर 2018 में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, अब तक 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज थॉमस कप एसोसिएटेड विथ? यहाँ पे किससे थॉमस कप एसोसिएटेड? थॉमस कप जो है बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। इन दिसंबर 2018 द नेपाल गवर्नमेंट बैंड करेंसी नोट्स ऑफ इंडिया? तो नेपाल की गवर्नमेंट ने 100 से ज़्यादा के करेंसी नोट्स को बैन कर दिया अपनी कंट्री में। तो वहाँ पर जो है 100 तक के नोट्स को ही वो लेंगे इंडियन करेंसी में। नेक्स्ट है द किंग ऑफ विच डिनेस्टी बिल्ड द फेमस जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी? तो ये बनाया था ईस्टर्न गंगा डिनेस्टी ने, जगन्नाथ पुरी में जो मंदिर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वॉन द 2018 FIH मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप? तो ये जीता था बेल्जियम ने। अब नेक्स्ट है जनरल हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है वसुंधरा। नेक्स्ट है इंग्लिश का सेक्शन है, तो इंग्लिश का क्वेश्चन है, और हिंदी और इंग्लिश मिक्स है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से आ गया। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। तो यहाँ पर होगा व्हाट वाज डैश वेदर लाइक इन हैदराबाद? व्हाट वाज द वेदर लाइक इन हैदराबाद? नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो हैव
हैजंट सैंडी स्मार्टनेस अमेज्ड यू, तो यहाँ पे हैवंट यू बीन अमेज्ड बाय सैंडी स्मार्टनेस, ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड. तो यहाँ फ्लॉरिश वर्ड है जिसका एंटोनम होगा डिक्लाइन. नेक्स्ट है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर गिवन बिलो इज जम्बल और इन जम्बल्ड ऑर्डर, सो अरेंज द पार्ट्स इन राइट ऑर्डर टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस. तो यहाँ पे एक सेंटेंस है जिसको तोड़ तोड़ करके अलग चार पार्ट में दे दिए गए हैं. जब आप इसको अरेंज करेंगे तो आप देखेंगे जो करेक्ट ऑर्डर आएगा वो होगा सी ए बी ई डी. सी यहाँ पर 60 ईयर्स ओल्ड मैन, और फिर आएगा वॉज किल्ड इन अ बिग कैट अटैक, और फिर है नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जस्ट आउटसाइड द टेडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, फिर आएगा डी, फिर आएगा ई यहाँ पर, और फिर आएगा डी यहाँ पे. तो इस तरह से जो करेक्ट ऑर्डर है ये नंबर टू है. संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं तत्सम शब्द. लोकोक्ति कहलाती है जो लोगों में प्रचलित कहावत होती है, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं. ये हिंदी का सवाल है. अभी हिंदी का एक और सवाल है, देख लेते हैं. नाक में दम करना, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है, बहुत परेशान करना. निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है, जीवा एक तत्सम शब्द है. यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है जो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, ही वॉज सो एब्जॉर्ब्ड डैश हीज थाट्स दैट ही फेल अ डिच. ही वॉज सो एब्जॉर्ब्ड इन हीज थाट्स दैट ही फेल इन टू अ डिच. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यहाँ पे भी है, I have been noticing you since last Monday. अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशिष्ट अर्थ जो प्रकट करते हैं. अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो जो वो क्या कहलाते हैं जो अपना सामान्य अर्थ नहीं देके एक अलग अर्थ जो प्रयुक्त करते हैं, उसे हम मुहावरे कहते हैं. विलोम शब्द है. विलोम शब्द का जो होते हैं वो क्या होते हैं, परस्पर में विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं. और निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है यहाँ पे, तो तद्भव शब्द है यहाँ पे हाथी. समास विग्रह क्या कहलाता है, तो सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है. पिपासा का तद्भव शब्द क्या होगा, तो पिपासा का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा प्यास. नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर. तो यहाँ पे जो एरर है उसे आपको सेलेक्ट करना है. तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा जिसमें एरर है, क्राइज ऑफ हॉकर्स, बार्क्स ऑफ स्ट्रे डॉग्स एंड बीप्स ऑफ कार हॉर्न्स वॉल ऑल मेक्स अप साउंडस्केप ऑफ द सन बेक्ड सिटी. तो ये है यहाँ पे जो हमारा जो ऑप्शन है उसमें एरर है. नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड. करेक्टली स्पेल्ट वर्ड इसमें ऑप्शन नंबर थ्री है, मेंटेनेंस. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच. तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में किस बुक को लिखा गया है, तो जो सेंटेंस है, मेरी सेड टू अंजू टिकट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर टूडेज शो. तो यहाँ पे जब इसे आप रिपोर्टेड स्पीच करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से कि मेरी टोल्ड अंजू दैट टिकट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर टूडेज शो. नेक्स्ट है हिंदी का सवाल है, समान अर्थ या भाव वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा इंग्लिश से, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. तो यहाँ पे आई वॉज हैविंग अ बाथ व्हेन द टेलीफोन रैंग. सीता आता है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो यहाँ पे क्रिया की अशुद्धि है कि सीता आता नहीं है, सीता आती है, तो क्रिया गलत है यहाँ पे. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. या जो सिनोनिम आपको चाइड का है, चाइड का जो अलग मीनिंग और सिनोनिम होगा वो होगा रिब्यूक. नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन that express the given sentence in passive voice. So all these animals have shown remarkable intelligence. तो यहाँ जो correct option है हमारा ये option number 3. Remarkable intelligence has been shown by all these animals. Select the most appropriate antonym of the given word. So radiant का जो antonym होगा वो होगा sorrowful. The following sentence has been divided into three parts. One of them may be incorrect. Just choose the incorrect part from the given option. तो यहाँ पे incorrect part आपको choose करना है. Some shopkeepers try makes
अ मच प्रॉफिट एज दे कैन। तो यहाँ जो पार्ट जो करेक्ट नहीं है, जो करेक्ट है वो होगा ट्राई मेक्स एज मच प्रॉफिट, ट्राई मेक्स एज मच प्रॉफिट, ये पार्ट जो है यहाँ पे रॉन्ग है। अधिकाधिक का उचित संधि विच्छेद है, तो अधिकाधिक का संधि विच्छेद होगा अधिक जोड़ अधिक। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दुर्गम, दुर्गम का विलोम शब्द क्या होगा, तो सुगम हो जाएगा ये। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, तो फिल इन द ब्लैंक को भरने के लिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, द चाइल्ड वॉज स्केयर्ड बाय द साइट ऑफ अ स्नेक। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड डिसिप्लिन सेक्शन, तो यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में सवाल है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एनश्राइंस द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, तो ये जो होता है कि आर्टिकल्स एनश्राइंस कितने होंगे जब आप हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट को आपको कंप्यूटर में टाइप करना है, तो यहाँ 343 यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट है विच आर्टिकल डिस्क्राइब्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन सा आर्टिकल डिस्क्राइब करता है एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो आर्टिकल 52। असेंबली लैंग्वेज यूजेस स्मॉल एब्रीविएटेड इंग्लिश वर्ड्स टू डिफाइन डिफरेंट कंप्यूटर ऑपरेशन, सच वर्ड्स आर कॉल्ड, सो ऐसे वर्ड्स को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है न्यूमोनिक्स। नेक्स्ट है विथ रिस्पेक्ट टू माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर CISC स्टैंड्स फॉर, सो CISC स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। द यूनियन लिस्ट द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट शैल बी फाउंड इन 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विल वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड The police officer recording the statement shall not be in uniform. When computer is started, switch on, the operating system is usually loaded from hard disk to main memory. इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको आज ही मिल जाएगा, और इसके नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उसको हम कर लेंगे। तो टोटल ये यहाँ पे 30 पेज है जिसमें हमने 18 पेज तक को कवर कर लिया है। लास्ट के जो एक सेकंड पार्ट इस वीडियो का करेंगे और जिसको ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि NVS का अपकमिंग एग्ज़ाम आपके लिए कैसा रहेगा और आप किस तरह से इसमें जो करंट अफेयर्स का लेवल है, कंप्यूटर अवेयरनेस का लेवल है, ये सब सारे सेक्शंस हैं, रीजनिंग के जो सेक्शंस हैं वो सारे किस तरह को आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ एंड डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।